हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल फार्मेसी। मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ लेकर आया हूँ जो उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग के थ्रू निकली है। जैसे कि आप सामने देख पा रहे हो, ये नोटिस अभी अवेलेबल हुआ है उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिलिंग पे। जैसे कि ये ब्लू कलर में जो बॉक्स है आप देख पा रहे हो, ऑल ऑनलाइन एप्लीकेंट आर हेयर बाय इन्फॉर्मेड दैट एन इक्वायरी हैज़ बीन राइज बाय द काउंसिलिंग अगेंस्ट देयर एप्लीकेंट, देन द एप्लीकेंट विल हैव टू रिप्लाई द क्वेरी विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ राइजिंग द क्वेरी। इफ द एप्लीकेंट फॉल टू डू सो, देयर एप्लीकेंट शैल बी लेबलिंग फॉर ऑटो रिजेक्शन आफ्टर द स्टूपिड टाइम। इसका मतलब यह है, जितने भी आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले हैं, जैसे कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हो, आपके डॉक्यूमेंट में कोई कमी आती है, जैसे कि कोई पढ़ने में कमी आती है, तो वे एक क्वेरी डाल देते हैं जिसमें क्वेरी में वे तुम्हारे मिनिमम डॉक्यूमेंट मांगते हैं। जैसे कि कोई भी जिस भी चीज़ की उनको कमी दिखाई दे, जैसे डिप्लोमा, मार्कशीट, आधार कार्ड, एफिडेविट, और जैसे भी जिस चीज़ की भी तुम्हें कमी लगती है वे लिख कर डाल देते हैं कि अपलोड कीजिए। आपको 30 दिन, उस अपलोड क्वेरी के 30 दिन बाद से पहले पहले आप उस क्वेरी का जवाब दे दे या उसका रिप्लाई दे दे। कोई भी कुछ चीज़ मांग रहे हो उस पर अपलोड कर दे। आप अगर नहीं देख पा रहे हो तो अपना डैशबोर्ड खोल के देख ले, अगर कोई क्वेरी हो तो उसे जल्द से जल्द अपलोड करें, नहीं तो ऑटो रिजेक्ट। उन्होंने सीधे सीधे लिखा है लेबल फॉर द ऑटो रिजेक्शन आफ्टर द स्टूपिड टाइम, यानी कि क्वेरी के 30 दिन बाद आपका ऑटोमेटिक एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा, जब फिर आपको दोबारा एप्लीकेशन भरना पड़ेगा और दोबारा फीस कटवानी पड़ेगी। तुम नहीं चाहते तो ऐसा ना हो तो अपना डैशबोर्ड खोल कर देखें, अगर कोई क्वेरी आई हो तो उसे अपलोड कर दे। उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।